दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंडियन आर्मी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एक रिटन टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। रिटन टेस्ट टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होते हैं और एक घंटे का एग्ज़ाम होता है। और आपको इसको पास करने के लिए आपको 32 मार्क्स चाहिए होते हैं, 32%, 100 में से 32%। उसके बाद से आप देखिए कि जनरल नॉलेज इसके क्वेश्चन 15 होते हैं उसमें, फिर जनरल साइंस के क्वेश्चन जो होते हैं 20 होते हैं, मैथ्स के जो होते हैं 15 होते हैं। हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, सो 50 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं। और तीनों को कंबाइन करके जो आपको टोटल मार्क्स लाने होते हैं वो 32 मार्क्स लाने होते हैं। इसका आपको जो है ऑनलाइन पेपर भी होता है, और पहले ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन पेपर उन्होंने शुरू कर दिया। आप ये देख सकते हैं कि ये है जनरल नॉलेज, सेम वही 15 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है, 30 हो गया, जनरल साइंस का होता है और मैथ्स का होता है। इसमें आप इसका सिलेबस भी देख सकते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज में नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, नेशनल अवार्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड्स। सो आपको जो है नॉर्मली न्यूज़पेपर को पढ़ते रहना चाहिए, या मनोरमा बुक आती है, ईयर बुक, उसको, क्योंकि लेटेस्ट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप टू 10th तक जितना भी आपने हिस्ट्री पढ़ा है कि इंपॉर्टेंट बैटल्स इन इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, लैंडमार्क्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, जितने भी हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन, मतलब आपको हिस्ट्री की बुक पूरी याद रहनी चाहिए अगर आपको टेस्ट पास करना है, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। जनरल नॉलेज में सिंपल, अगर आपको, अगर इसका आपको आंसर पता है तो आप डायरेक्ट इसका जो है ट्राई कर सकते हैं। फिर इसमें जो है जियोग्राफिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे सोलर सिस्टम, स्पेस एक्सप्लोरेशन, उसके बाद से जो है यूएनओ, इंडियन आर्म फोर्स हो गया, इंडियन टाउन स्टेट्स यूटीज, इंडियन न्यू एजेंसीज एंड डेलीज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, जो बेसिकली जो है जो जीके का क्वेश्चन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप इसको रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन, इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा कवर करता है जनरल, उसके जैसे रिलीजियस कम्युनिटीज एंड प्रिंसिपल लैंग्वेजेस, नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज कौन कौन से होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा होता है। उसके बाद से फिर आता है पेपर जनरल साइंस का। जनरल साइंस में आपके मेडिकल टर्म्स हो गए, साइंटिफिक टर्म्स हो गए, साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। अगर आपकी तैयारी है तो आप इजीली इसको जो है कर सकते हैं, इसमें आपको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से जो मैथमेटिक्स का आता है, इसमें आपको प्रॉपर प्रिपरेशन की ज़रूरत है। जैसे अर्थमेटिक में आपका आता है HCF हो गया, LCM हो गया, फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं, स्क्वायर रूट्स, परसेंटेज, एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप के क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, यूनिटरी मेथड, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, फिर अलजेब्रा के क्वेश्चन होते हैं इसमें, बेसिक ऑपरेशन ऑफ फैक्टराइजेशन, HCF और LCM के क्वेश्चन जैसे बताया, ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, फिर एरिया मेंशुरेशन में सारा एरिया पैरामीटर्स, ये सारा का सारा आप कर सकते हैं। और ये सारा का सारा आपका CBSE के बुक्स में मिल जाता है। इसका ये है कि आप जो है जनरल जो नॉलेज होता है उसके लिए आप कोई भी मनोरमा ईयर बुक आप थोड़ा बहुत पढ़ेंगे उसको, तो आपको धीरे धीरे करके उसकी नॉलेज होती रहेगी, क्योंकि ये जो GK है पूरा वास्ट कवर करता है। मैथमेटिक्स का तो स्कोप ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये सारे के सारे जो भी आपको सिलेबस में दिया है वो आपने एक एक करके करना है। ये उसका मॉडल टेस्ट पेपर है, ये देखिए आप 100 नंबर का क्वेश्चन है, पास मार्क्स 32 है इसमें। आप इसमें इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं कि डू नॉट आंसर बुक, ओपन आंसर बुक टेल ऑर्डर। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच जाते हैं तो ये आपको इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जब तक आपको ना बोला जाए तब तक आपने ओपन नहीं करना है, और रफ वर्क के लिए भी इसमें जगह होती है, ये जो पहले आपका ऑफलाइन पेपर हुआ करता था। तो ये देखिए आपका जो है इसमें ये सैम्पल पेपर, जैसे जनरल नॉलेज का कि विच इज़ द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, जैसे पैसिफिक ओशन है, फिर व्हाट इज़ द टर्म फॉर ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, तो 6 ईयर्स का होता है। व्हाट वाज द इंडियन फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, नगेंद्र सिंह,
Which day is observed as Human Rights Day? 10th December. India's biggest multi-purpose river valley project is Bhakra Nangal. In which state Sanchi Stupa situated? Madhya Pradesh. तो आपको इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं, ये एक मॉडल मॉडल क्वेश्चन जो है आपको इस तरह के पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पहले 15 क्वेश्चन जो है आपके जनरल नॉलेज के हैं, ये सारे के सारे को इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन भी है, जनरल क्वेश्चंस भी हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जो है जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले 15 क्वेश्चन जो है आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, फिर जो दूसरा पार्ट आता है वो है जनरल साइंस का, फिर जनरल साइंस में साइंस से रिलेटेड कि व्हाट इज़ द हार्ट बीट रेट ऑफ यंग हेल्दी मैन 72 टाइम्स, ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड बैलेंसिंग द बॉडी, ब्लड इज प्योरीफाइड बाई किडनी, डैश इज यूज एज इन थर्मामीटर टू शो द टेम्परेचर, मर्करी डैश सेट ऑफ एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड, दिस इज रोहू फ्रॉग एंड कोबरा, सोलर एक्लिप्स अकर वैन मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। सो दीज आर ऑल जनरल साइंस क्वेश्चन। आप इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉपर। तो अगले जो क्वेश्चन है वो सब के सब जो है जनरल साइंस रिलेटेड, फार्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अ मिक्सचर ऑफ मेटल डिजॉल्व इन मर्करी नोन एज, ये सारे के सारे आपके क्या हो गए जनरल साइंस है। फिर आता है मैथमेटिक्स का पार्ट, द वैल्यू ऑफ 2 माइनस ब्रैकेट 2 0 हो गया, द टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 30 एंड वन द थर्ड एंगल विल बी, ट्राइंगल का जो है देख लो आप 105 प्लस 30 145, तो बी पार्ट होगा इसका 45। उसी तरह से व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन के क्वेश्चन है, और फिर वर्क के क्वेश्चन है आपके, स्क्वायर रूट के क्वेश्चन हैं, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज दिस, फाइंड आउट फाइंड वन साइड ऑफ द स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 250 सेंटीमीटर, 3 आवर्स इक्वल टू कितने मिनट्स, ये आपको कैलकुलेट करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया 80, एरिया ऑफ ए स्क्वायर साइड इनटू साइड होता है, सिंप्लीफाई करना है इसको। तो ये सारे के सारे जो हैं एक मॉडल क्वेश्चन पेपर, इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स, आपको सिर्फ 32 मार्क्स लाना है। सो आपको प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि पेपर ऐसे देना कि आप किसी तरह से 32 तो क्रॉस कर जाए, उसमें आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन, जनरल साइंस के, जो मेन जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, अगर आपकी मैथमेटिक्स में अच्छी पकड़ है तो आप इजीली इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई और मॉडल पेपर चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए और मैं आपको जो है मॉडल पेपर अवेलेबल कराऊँगा। थैंक यू।